और मेरे दोनों शहजादे देखे कैसे पकड़ के खड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे उम्मीद करते हैं सब खैर से, हमारी दुआएं जहां रहे खुश रहे। हाँ जी हाँ जी, तो आज हम जी काफ़ी दिन के बाद जो ना फिर खेतों में आए, बाहर बकरियों को लेके आए। मैंने कभी रोज़ घर का व्लॉग बनता है, आज थोड़ा सा जो ना बाहर का व्लॉग बना लेना चाहिए हमें, ताकि हमारे बहन भाई जो ना बाहर जो ग्रीनरी है ना ये देख सके और बकरियां भी खा भी लेंगी। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ये अच्छा किया बकरियाँ ली हैं, मतलब इनका खर्चा तो होता नहीं है, तो ऐसे मतलब बाहर ले कर निकले तो ये मतलब अपना पेट भर लेती हैं। और यहाँ पर बेगन साहब खड़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं जी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। तो माशाल्लाह से जी अभी टाइम जो है ना हमारे पास ज़्यादा था, और हंड रोट में भी अभी टाइम पड़ा, तो हमने कहा चले बकरे को थोड़ा टाइम दे लेते हैं, इजी हो जाएगा, चलो बकरियाँ भी अपना पेट भर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बस बाय बाय करना जी। आज सुबह सुबह जो सुबह सुबह की बात है, मैंने एक अब्दुल्ला का ट्रैक्टर लेके आया था और एक अब्दुल हादी का लेके आया था, लेकिन आते ही इन्होंने तोड़ ली ये देखें, क्योंकि ये पकड़ो हाँ। क्योंकि ये नाजुक से होते हैं और आते ही इन्होंने जो ना तोड़ दिए, और अब्दुल हादी वो अपना ट्रैक्टर पकड़ के खड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत चारा भी जो है ना वो भी काट रहा है, ये देखें इसने भी तोड़ लिया था, इसकी ट्राली तोड़ ली थी और ट्रैक्टर के कभी टायर निकाल लेता है कभी कुछ कर लेता है, ये देखें छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं। अब्दुल हादी भाई बात कर दो, अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह जी बकरियाँ हमारी बड़ी खुश हैं और चारा खा रही हैं, और सूरज अभी तक ग़ुरूब नहीं हुआ, सूरज अभी तक ये ऊपर खड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम है। हाँ जी काफ़ी टाइम। तो आज बनाना क्या आपने? आज मैं सोच रही हूँ कि पुलाव, सोच नहीं रही हूँ, आज बनाना है पुलाव। पुलाव बनाना है। हाँ जी। और दूसरी बात, आप लोगों ने नोट नहीं की होगी कि हमारे कपड़े जो है ना सेम हो गए दोनों के, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमने कपड़े सेम पहनने, यकीन माने इन्होंने मतलब कि पहले कपड़े पहन लिए थे और बाद में फिर मैंने कहा यार मुझे आज ब्लैक कपड़े पहना दे, जब हम बाहर निकले ना तो मैंने सोचा भी आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं, मैंने ब्लैक पहने, मतलब कि आपने मुझे कॉपी किया है, ये कहती है आपने मुझे कॉपी किया है कि आपने बाद में पहने, मैंने पहले पहन लिए थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे लग रहे हैं दोनों सेम जो ना कपड़े, और अब्दुल हादी के ब्लैक हैं और अब्दुल्ला के जो ना वो रेड हो चुके हैं, अब्दुल्ला रह गया ऐसे ना। अब्दुल्ला आपने ब्लैक कपड़े नहीं पहने? अब्दुल्ला को जब फैन आ जाने थे वही पहनने थे, अब्दुल्ला हाँ जी बिल्कुल ब्लैक थे नहीं, इसलिए थे नहीं, ये बीमारी ऐसे कुदरती जैसे वो कहते हैं होगी, हो गई बिल्कुल की नहीं हमने। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ी सी छाँव भी, अभी जो है ना असर की अजाने अब आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, अभी टाइम हुआ है और अभी भी गर्मी है, गर्मी है बिल्कुल, पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो मैं जी बैठती हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे छाँव है। तो आज इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे कि बकरी का दूध निकाल के आप लोगों को दिखाएं। मैंने जब मैं लेके आया था, अब्दुल हादी बेटा ना तोड़ो यार, बकरियां खुद ही खा लेंगी, यार खुद ही बकरियां खा लेंगी, ना तोड़ो छोड़ दो वो, अब आपको देख के अब्दुल्ला भी कर रहा है, ये देखें अब्दुल्ला भी तोड़ रहा है, आप भी तोड़ रहे हैं, खुद पेट भर लेंगी अपना। हाँ जी पेट खुद ही भर लेंगी, आप खूबसूरत नहीं अपना वक्त करें। बस जी थोड़े दिन हैं, ये आप लोगों को जो खेत नज़र आ रहे हैं ना ये हमने नहीं ले लेने, मतलब मैं ये कहने लगा हूँ कि ये थोड़े दिन हैं कि ये जो ना मतलब कि इसके अंदर हल चलाया जाएगा और ये जो ज्वार है ना ये काट लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सर्दियों का जो मतलब जो भी फसल होगी जो भी चारा सर्दियों का होगा ना वो लगाया जाएगा, इसके बाद बसरेम हम अपनी ज़बान में कहते हैं बसरेम लगाएंगे, और वो बकरियाँ इतनी शौक से खाती बसरेम, और मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह यहाँ पे खरगोश भी लेके आऊँगा, वो हमारी एक सिस्टर है उसे बहुत ज़्यादा शौक है खरगोशों का, वो कहती है मुझे खरगोश दिखा दे बस, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, वो उस घर में थे तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी रखेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और भी परिंदे भी लेके आएंगे, और मतलब जिनके साथ रौनक बड़ी रहे बस, ऐसे है ना जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि हम यहाँ पे जो है मुर्गियाँ भी रखें, खरगोश भी रखें और प्यारे प्यारे परिंदे भी रखें, लेकिन अभी तक गर्मी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो गर्मी में यहाँ पे हम उनको रखें, बिल्कुल जैसे मतलब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना फिर मुर्गे वगैरह रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तक हमारी इंटे बेचारी वैसे की वैसे पड़ी हुई है, ये भी कहती हूँ कि पता नहीं किनके हत्थे चढ़ गई हूँ मैं, मतलब लगा ही नहीं रहे, और ऊपर से हमारे मिस्त्री जो है ना वही नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें तो बड़ी जल्दी है कि बस ना एक हफ्ते के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन मिस्त्रियों को नहीं जल्दी है। हाँ जी बिल्कुल, दिलादी आज चले बस आओ चले, आज अब्दुल्ला अभी
हाँ जी आपने भी काटा है? आपने भी काटा है? हाँ। आपने ज्यादा काटा है? हाँ। अच्छा जी, क्या है जी? अरे क्या, इधर वापस आ जी, वापस वापस। हाँ, ये है जी बकड़ा। इस हम अपनी जबान में बकड़ा कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं? इसकी दवाई भी बनती है, ये देखे। और ये पाँव पे लगते ऐसे है जैसे पता नहीं क्या लग गया। जब घर रख के आ गया और पहले मैंने इसे उठाया हुआ था, लेकिन इसने कहा मुझे नीचे छोड़े। अभी फिर मैंने इसको उठा लिया क्योंकि जूते नहीं है और टाइम जो है ना हमें यहाँ पे काफी हो गया। हाँ जी, अभी चलते हैं जी घर, बकरियाँ ले चलते हैं और हांडी रोटी करते हैं। आज फिर बकरी का दूध निकालना है। हाँ जी, इंशाल्लाह बकरी का दूध निकालेंगे और उसके बाद बिलाल को कहेंगे ले जाएगा। फिर बकरियों को ना मैंने इस मुड्डी के साथ जो ना बांध दिया, इस लकड़ के साथ। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? तो अभी इनका दूध निकालते जी। हाँ जी, तो इनका दूध निकालते फिर आप लोगों को दूध भी दिखाते हैं। तो जी मैं भी बना रही हूँ सब्जी, आज मैं पुलाव बना रही हूँ जी। आलू गोभी और गाजर वाला तीन सब्जियाँ मिक्स करके डाल रही हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए। और हमारी कोशिश होती है, शहजाद सब कहते हैं कि पुलाव बहुत कम खाया करें जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं। सर्दियों में तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद मेरा दिल किया कि सब्जियाँ खा के ना जैसे बंदे का दिल भर जाता है। मैंने कहा आज बना लेते हैं कि पुलाव। बच्चे जो है ना ट्यूशन पढ़ने वो भी आ गए, और रोज़ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना जल्दी हांडी रोटी कर लूँ। आज नींद है कि मैं ना इसलिए फिर वहाँ से जल्दी आ गए। बकरियाँ चराने के बाद मैंने कहा जल्दी से पुलाव पर कौन सी देर लगती है। तो बड़े मजे से खा रहे हैं। ओए रुक जा, ओए रुक जा, ओए रुक जा। ये ले, बड़ी जल्दी है आपको खाने की। बकरे को ना हमने यहाँ पे बांध दिया है क्योंकि यहाँ पे काफी जो है ना ये घास खड़ा हुआ था और घास भी खा गई। और जो भिंडी हमारी खड़ी थी ना, ये भिंडी का तो नामो निशान ही नहीं छोड़ा है। चार पांच पौधे खड़े हुए थे वो भी खा गई, सिर्फ बैंगन बैंगन नहीं खा रही। और हमारी जो ये फुटों की बेल है ये खा जाती है। हाँ जी, मजे क्या? माशाल्लाह जी, फूल गुलाब का देखे फिर, माशाल्लाह कितना प्यारा निकला खड़ा। एक ये है और एक ये देखे, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा निकला खड़ा, मेरा अल्लाह की शान। और हमारा ये वाला जो गुलाब था ना, बकरियां खा गई थी और अब इन्होंने भी शाखें निकालना स्टार्ट कर दी। ये देखे माशाल्लाह, बेगम साहब जो बाहर जो है ना लकड़ी उठाने के लिए आई है, तो मैंने कभी आप लोगों को दिखा दूं जो लकड़ी हमारी है, जो हमारी बहुत ज़रूरी है। और अभी सूरज देखे जी ग्रूब होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा सूरज रह गया। अब दादी भी हमारे पीछे आ गया। और ये है जी हमारी लकड़ी, ख़ास लकड़ी जो है ना बेगम साहब इकट्ठी कर रही ना, ये वाली, ये बड़ी जलती है जी, ये वाली इनकी आग बड़ी मज़े से जलती है। खुश हो कौन बस, ये अब्दुल्ला आप भी आ गए हो। हाँ। आपको सुकून नहीं आना, आप भी पीछे पीछे मार रहे ऐसे ना। इसे काम करने का बड़ा शौक है, क्या बाहर काम नहीं था दिल में। चलो बस अब्दुल हादी, माशाल्लाह जी बच्चे जो ना वो भी मतलब कि एकेडमी आ चुके, ट्यूशन आ चुके हैं। और हमारी वाइट वाली बकरी जो ना वो आवाज़ें दे रही है कि भाई मुझे चो लो, मेरा दूध निकाल लो। तो मतलब कि इस टाइम इसकी डेली यही मतलब कि रूटीन होती है, सुबह और शाम जैसे ही इस ये टाइम होता है इसने आवाज़ें देना स्टार्ट कर लेती कि मुझे मतलब कि मेरा दूध जो है ना वो निकाल लें। और वो ब्लैक बकरी तो फिर आपको पता दूध देती नहीं है। और आज माशाल्लाह जी चार बच्चे आए और साथ अब्दुल हादी इनके बैठा हुआ है। अब्दुल हादी आप भी पढ़ रहे हो? हाँ जी, क्या आप भी पढ़ना? आपने पढ़ना? हाँ। क्या पढ़ना आपने? और क्या?
मैं तो कहूँगा बकरी का दूध निकाल लें, फिर बिलाल ले जाएगा तो फिर दूध रह जाएगा। आज हम अपने बहन भाइयों को भी दिखाएं बकरी का दूध जो है। हाँ जी, वैसे तो बिलाल शाम को उधर निकाल लेते हैं दूध। हाँ जी, शायद क्योंकि अली स्नैन भी आया हुआ है, शायद अली स्नैन लेके चला जाए। हाँ जी, ले आए बर्तन, ले आए बड़ा सारा बर्तन लेके आइएगा। बड़ा सारा बर्तन लेके? हाँ जी, बड़ा सारा बर्तन। बच्चे जो है ना वो बकरी पकड़ के खड़े हुए हैं और उनकी मम्मा बर्तन लेके आ रही हैं, और पीछे बर्तन हमारा जो है ना चावलों का भी पड़ा हुआ है। दूध किसने निकालना है? दूध किसने निकालना है? आपने निकालना है दूध? आपने निकालना है? दोनों ने निकालना है? वाह, हम फिर रहने देते हैं। आपने कहा शदा साहब ने कहा कि बड़ा बर्तन लेके आइए, किस बड़ी ज्यादा गड़बी लेकर आ गई। चलें जी, अब्दुल हादी पकड़े खान जी, आप पकड़ो, आप भाई को पकड़ाओ, आप अब्दुल हादी भाई को पकड़ाओ। बकरी को हमने पकड़ लिया, मतलब कि जैसे भैंस को नहीं पकड़ना होता वैसे हम पकड़ के खड़े हुए ताकि टांग वगैरह ना मारे। और बेगम साहब नीचे दूध निकाल रही है बच्चे। ये तो जी मजाक हो रहा है, देखे छोटी मतलब इतना बड़ा बर्तन लेके आ गए और दूध एक गिलास होना सिर्फ। आपने कहा कि बड़ा बेगम साहब बड़ा बर्तन लेके आइएगा, वो तो मैंने मजाक किया, तो आपने सीरियस ही समझ लिया। और मेरे दोनों शहजादे देखे कैसे पकड़ के खड़े हुए हैं। अब्दुल्ला आपने दूध पीना है? आपने दूध पीना है? और ये दूध जी यकीन माने बड़ा ही फायदेमंद होता है, मतलब कि भैंस का या गाय का जो है ना उससे ज्यादा ये मतलब कि फायदेमंद होता है। हाँ जी, मैं ना पकड़ूं? आपने पकड़ना है? अगर मैं यहाँ से ना पकड़ूं, मतलब मैंने आराम से पकड़ा, जोर से नहीं पकड़ा हुआ, हाँ आराम से पकड़ा हुआ, अगर मतलब यहाँ से ना पकड़ूं तो बार बार ये छलोंगियाँ लगा रही है, कभी इधर हो जाती है कभी उधर हो जाती है, ऐसा है ना बेगम? कितना को रह गया दूध? बस जी छोड़ दें अब। हाँ जी, बकरी का दूध निकाल लिया हमने, अब बस पौधों के नजदीक नहीं जाने, पौधों के नजदीक नहीं जाती। तो अभी कितना दूध होगा दिखाइएगा। हाँ जी, गड़बी मैंने भर ली है। गड़बी भर ली है? दिखाऊं? हाँ जी, एक गिलास होता जी दूध का, ये देखिए क्योंकि नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, ये देखिए एक गिलास सुबह होता है और एक शाम होता हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाय बन जाती है। चलें कुछ तो होगा ना। चले जी, ये आप लोग हमारी बकरी के गले में देखते थे जो व्हाइट वाली थी, लेकिन ये टूट चुका है और अभी ये छोटा हो चुका है, ये देखें। और बेगम सभा जो ना वो बच्चों का सबक सुन रही है। किरण के घर, किरण के घर के करीब ही, करीब ही मामू जान का, मामू जान का घर है, घर है मामू जान की, मामू जान की एक एक किरण के घर के, किरण के घर के करीब ही मामू जान का, मामू जान का घर है। बाकी लिख क्या वो भी सुना दे। पतीला मैंने ऊपर रख दिया है और मोली भी लगाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे सब्जी जो है ना मैंने वो भी अच्छी तरह धो के रख ली है, जो है ना चावल भी मैंने भिगो के रख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह, चावल हमारे दम के लिए तैयार हो गए हैं। ज्यादा चम्मच नहीं हिलाते हैं, चावल टूट जाएंगे। शाम हो गई है लेकिन अभी तक अंधेरा जो है ना वो नहीं छाया, रोशनी है। और मैंने बच्चों को नहीं जाने दिया, मैंने कहा आप लोग ना चावल खा के जाइएगा, इस तरह अगर भेजूंगी ना
तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी देखते हैं कि चावलों की क्या सूरत हाल बने दिए हैं कि नहीं। मेरे बच्चों को लेट हो रही है, मैंने कहा जल्दी से चावल चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और लुक जी आप लोगों के सामने है माशाल्लाह। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास चावल में डालने के लिए कोई मतलब मसाला वगैरह नहीं होता और ना ही कोई सब्जी होती, लेकिन आज माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब्जियां मैंने एकदम तीन सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी और मसाले वगैरह भी इसमें थे और माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और आज बड़े ही ज़बरदस्त बने हैं चावल। चावल मैंने ना बर्तन में डाल ली है और मैंने थोड़ा सा ना पंखे की हवा के आगे ठंडे कर लूँ ताकि बच्चों का मुँह ना जले और ईजी जो है ना वो खा लें। तीन बच्चे हैं, मैंने डिश में डाल दिए, मैंने कहा जरूरत होगी तो फिर और ले लेंगे। इस एकदम से इतनी ज़्यादा डाल दूंगी ना तो फिर वो जल्दी ठंडे भी नहीं होंगे। और मेरे बच्चे जो है ना बड़े एक्साइटेड हैं, आज पुलाव बन गया है, खुश हो रहे हैं और सब्र नहीं हो रहा। अभी गर्म है, मैं अभी आपको डाल के देती हूँ। मम्मा मैं ही खाऊंगा। आप नहीं खाने? हाँ। अच्छा मैं आपके भी ले के आती हूँ। अब्दुल हादी को मैंने चावल दे दिए, आप और शीजा। अच्छा जी अब्दुल्ला की चमची रह गई। अब्दुल्ला क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? अब्दुल्ला कहता जी मुझे चमची दे दें, चमची को पीपी कहता है, क्या चाहिए? पीपी। इस वजह से इसने शोर डाला हुआ है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला दी आपको क्या चाहिए, चमची चाहिए कि पीपी? क्या अब्दुल्ला दी भी पीपी कहता है। ये जी चमची होगी शीजा की, आप इधर आ जाओ शीजा। अच्छा जी पानी पिया लो। अम्मी हाँ जी चमची है तो सही। तो हमारा व्लॉग भी कंप्लीट होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। और अगर व्लॉग में कहीं से भी बोलने में या कुछ सीन में मिस्टेक हो जाती हो तो उसके लिए भी माफ़ी करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लें जी।